हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्लीज अच्छे रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे रहिए। आइए डिस्कस करते हैं 16 और 17 अप्रैल का करंट अफेयर। जो पहली न्यूज है वो है निहंग। जी हाँ, निहंग जो है एक समुदाय है पंजाबी लोगों का, जिसकी स्थापना 1699 में 1969 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। जो ये निहंग जो एक ग्रुप है, ये आपके इनका एक स्पेसिफिक ड्रेस होती है ब्लू कलर की, और ये लोग जो हथियार वगैरह होते हैं उनकी स्टील से अपनी जो पगड़ी पहनते हैं उनको डेकोरेट करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। कुछ इस तरीके के दिखते हैं ये लोग, देख पा रहे हो आप लोग, कुछ इस तरीके से दिखते हैं इन लोग। ऐसा नहीं है इतनी बड़ी पगड़ी पहनते हैं ये लोग, छोटी पगड़ी भी पहनते हैं, लेकिन इनका जेस्चर कुछ ऐसा होता है। इनकी स्थापना 1969 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, जो गुरु गोविंद सिंह थे, जब भी युद्ध का जो टाइम आता है, युद्ध की जो ड्यूरेशन आती थी, उस समय वो ब्लू कलर के कपड़े पहनते थे। ठीक है ना, और इस कारण से ये लोग भी ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं। इन जो निहंग है, इस संस्कृत भाषा के निशांक शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे डर नहीं लगता है, जो डर से भी जीत जाए, ऐसा व्यक्ति जो एकदम पवित्र हो, ऐसा व्यक्ति जो अमृत पान किए हो, ऐसा एक ग्रुप कहलाता है निहंग का। ओके, निहंग की एक जो 1748 में अफगानी आक्रमण हुए थे अपने यहाँ, तो उस समय पे इन लोगों ने अपने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी सिख पंथ को बचाने में। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इन लोगों ने, इस वजह से भी ये लोग जाने जाते हैं। और आप 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, आप लोगों को याद होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार में निहंग समुदाय के एक लोग थे अजीत सिंह पोहाल, इन्होंने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस की बहुत ज्यादा मदद की थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। इसमें लिखा कम है, जो हम बोल रहे हैं उसको नोट करके लिखिए, वीडियो को पॉज करके बीच में और लिखते जाइएगा। ओके, जो नेक्स्ट खरीफ का मौसम चल रहा है, खरीफ की फसल का मौसम चल रहा है, और खरीफ की फसलों के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात हुई है। जो ज्वार बाजरा वगैरह होते हैं, मक्का जो वगैरह जो होता है, वो खरीफ की फसलें होती हैं अपनी, तो उसी समय अभी जो मौसम चल रहा है वो खरीफ की फसलों का चल रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ठीक है, उनका हल निकाला है बहुत ही जल्दी। वो जो न्यूज है वो है आपकी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। जी हाँ, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम मीनिंग करें तो ये बहुत ही 14 बिलियन ईयर एगो, जब हॉट बिग बैंग हुई थी। बिग बैंग तो आप लोगों को पता ही है, जो यूनिवर्स बना है, जो स्टार बने हैं, जो प्लैनेट बने हैं, वो सारी बिग बैंग थ्योरी से ही, अपन लोग वैलिड एक थ्योरी मानते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो एक हॉट बिग बैंग थ्योरी हुई थी जिसके कारण ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल बना था। प्राइमोर्डियल आप ऐसा मान सकते हो, इसको लैंग्वेज में समझना हो आपको, कि जब तारों का पतन होता है, जब तारे बहुत ज्यादा तारे मिटते हैं, तो एक ब्लैक होल टाइप की कंडीशन बनती है जिसको प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा हो सकता है, और ये खुद तो जब ये खुद जन्म लेता है तो कई सारी एक बहुत ही शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण किरणें भी इसके साथ में जन्म लेती हैं। दैट मीन्स बोला जाए तो एक बहुत ही मैग्नेटिक रेस जो होती है वो भी इसके साथ जन्म लेती है, जो हानिकारक होती है पृथ्वी पे। ठीक है, तो आप इसको समझ गए हो। अभी हाल ही में पुणे के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में, जो न्यूज है आपकी वो है आपकी त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, जो कि केरल में मनाया जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ये बहुत ही टाइम पहले से मनाया जा रहा है। कोचिन साम्राज्य के महाराजा थे, उन्हीं ने 1790 के समथिंग इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था इस फेस्टिवल में। मंदिरों के बाहर मनाया जाता है, हाथी वगैरह होते हैं, कुछ दृश्य इस तरीके का होता है इस फेस्टिवल का। जब से फेस्टिवल शुरू हुआ है, कोचिन के महाराजा का इसका बहुत बड़ा योगदान है इसका, जब से फेस्टिवल शुरू हुआ है, ये वाला फेस्टिवल आपका केरल में, तब से लेके आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इस फेस्टिवल को पूरी तरीके से रद्द किया गया है। जी हाँ, ये फेस्टिवल दो तारीख को मनाया जाना था, लेकिन जो माननीय नरेंद्र मोदी के अनुसार, माननीय नरेंद्र मोदी ने जब भारत को संबोधित किया और लॉकडाउन जो कि 14 अप्रैल को खत्म होना था वो अब 3 मई तक पहुंच गया, उसके जरिए इन लोगों ने इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया। आपको बता दें कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा
1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था उस समय भी इस फेस्टिवल को रद्द नहीं किया गया था, बहुत ही छोटे तौर पर मनाया गया था, पर मनाया गया था। इस बार इसको पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि इसको रद्द किया गया है फेस्टिवल को पूरी तरीके से। कहां मनाया जा रहा है फेस्टिवल, इसको याद रखना। केरल का न्यूज है वो ये है कि जाने COVID-19 के कंटिन्यू प्रसार के कारण एक जगह भीड़ जमा ना हो इस वजह से कई सारे कैदियों को रिहा किया गया है, पर कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। कुछ को जमानत के तौर पे छोड़ा गया है, किसी को कुछ वकीलों से विशेष परामर्श लेके छोड़ा गया है, तो इनको रिहा किया गया है ताकि एक ही जगह पे बहुत सारे मरीज ना रहे और जो कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग है इसका नियम का पालन हो सके, उन लोगों की जान बच सके, और जिसके लिए कई सारे कैदियों को रिहा किया गया है, तो इसको याद रखना प्लीज, ठीक है। लगभग ग्यारह हजार के समथिंग कैदियों को रिहा किया गया है, लेकिन एक विशेष दिशा निर्देश के साथ कि वकीलों से परामर्श लेकर स्पेसिफिक जमानत पे उनको रिहा किया गया है ताकि ये कंडीशन कंट्रोल में आ जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह पे जमा ना हो, ठीक है ना। वो है आपकी IMF की। जी हाँ, IMF ने एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप क्रिस्टलिन साथ 11 सदस्यों के साथ एक ग्रुप बनाया है जो COVID-19 की प्रत्येक जानकारी लेके IMF को दे सके। IMF आपको बताइए, IMF का फुल फॉर्म होता है इंडियन मॉनिटरी फंड, जो कि मुद्रा को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। किसने भी था, क्रिस्टलिन की MD मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की। इन्होंने अपने भारत के RBI गवर्नर रघुराम राजन के साथ 11 सदस्यों की एक ग्रुप बनाया है जो एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप है, जो क्या करेगा COVID-19 से रिलेटेड जो बातें इकट्ठी करके इन तक पहुंचाएगा, सही इन्फॉर्मेशन देगा, ओके, और इन तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। हाल ही में जूम ऐप बहुत ज्यादा आपको चर्चा में दिख रहा है, जिसमें कम से कम 100 लोग एक साथ मिलके वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जी हाँ, ये ग्रुप जो ऐप है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय माना जा रहा है, लेकिन आपको बताएं होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो ये ऐप है ये बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है। जी हाँ, इस ऐप में एक डर है कि जो कई सारे केसेस ऐप से ऐसे आए हैं कि जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो जो डेटा है आपका, जो आपकी वो लीक हो रहा है, आपकी इमेज, आपके गैलरी आपकी लीक हो रही है, जिससे रिलेटेड काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ टिप्स दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी इसका पासवर्ड चेंज करते रहें, ID चेंज करते रहें इस जूम ऐप की, और बहुत सतर्कता से इसका इस्तेमाल करें, और अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योर ऐप नहीं है, बहुत ज्यादा सुरक्षित ऐप नहीं है जूम ऐप, याद रखिएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक बार में 100 लोग कम से कम इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अजय महाजन को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का MD मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है, केयर एजेंसी का। जी हाँ, क्रेडिट जो आपकी रेटिंग एजेंसी होती है उसको अगर आप बहुत सरल लैंग्वेज में समझो तो आप ऐसा समझते हो कि ब्याज और मूलधन का जो भुगतान संबंधी जो मामले होते हैं उसमें जो सलाह देने का कार्य होता है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का होता है, जिसको अभी आपके अजन जी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। गवर्नमेंट ने YSR एक निर्माण पोर्टल चालू किया है। जी हाँ, जो आपके सीमेंट से रिलेटेड या आपके जो बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए कोविड है, वो है अमेरिका ने आपके anti-ship मिसाइलों और MK-54 को भारत को बिक्री की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज है जो कि मातृभूमि की रक्षा के लिए सहायक होगी। पावर ने सामाजिक नवाचार या न्यू इनोवेशन के लिए एडसन अवार्ड जीता है। जी हाँ, ये जो अवार्ड है न्यू इनोवेशन के लिए दिया जाता है और टाटा पावर को ये दिया गया है। स्विच ऑन कैंपेन एंड क्लब एनर्जी, ऐसे इन्हें समाज के लिए इनोवेशन के लिए न्यू कैंपेन चलाए थे, जिसकी वजह से इनको एडसन अवार्ड दिया। एडसन अवार्ड है इसके स्टार्टिंग 1987 में। इसको यूनेस्को हेरिटेज कमेटी का 44 सेशन जिसे चाइना होस्ट करने जा रहा था उसको कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, 44 हेरिटेज यूनेस्को हेरिटेज कमेटी का ये वाला सेशन चाइना होस्ट कर रहा था 29 जून to 9 जुलाई 2020, जिसे अभी हाल ही में कैंसिल कर दिया गया है। और जो लास्ट न्यूज है, अप्रैल को वर्ल्ड होमोफिलिया डे मनाया जाता है, और ये जो डे मनाया जाता है फ्रैंक शावेल के नाम पर, फ्रैंक शावेल की याद में। जी हाँ, और जो ये एडिशन है ये 30वां एडिशन है होमोफिलिया डे का, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोगों में कमेंट करिए। धन्यवाद।